मॉर्निंग बच्चों, आज हम जो है क्लास एट में सब्जेक्ट हमारा नैतिक शिक्षा, जिसमें हमारी में चैप्टर 18 है, ओके। और जिससे कि हमने लेसन जो है अभी तक 9 लेसन तक कंप्लीट कर लिए हैं, ओके। तो आज हम फिर से रिवीजन करते हैं, जिसमें आज हम जो लेसन लेने वाले हैं वो लेसन है आपका, कौन सा लेसन है? लेसन है आपका सेकंड, और आज हम उसका क्या कर रहे हैं? रिवीजन का, ओके। तो रिवीजन है, लेसन सेकंड है, और जो चैप्टर है मतलब लेसन का नाम है वो है समय। तो आज हम समय के बारे में पढ़ेंगे, और उसकी जो एक्सरसाइज है उसको हम फिर से पढ़ेंगे, उसका हम फिर से रिवीजन करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको याद ही है कि आपको समझाया गया था समय कैसा होता है। समय जो है मूल्यवान होता है, ओके। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है समय। बार आपका दो, कौन सा है? समय। समय के बारे में आपको बताया नहीं गया है कि समय कैसा होता है, मूल्यवान होता है। समय मूल्यवान क्यों होता है? क्योंकि समय अपने आप में ही एक धन, क्योंकि अगर हम समय का शब्द उपयोग करते हैं तो यदि आप करते मान लीजिए आप किसी दुकान में दुकान किए हुए, और तो क्या है यदि आप दुकान में 2 मिनट और समय अपनी दुकान का बंद या खोलने का समय बढ़ा देते हैं, आप यहाँ जहाँ दुकान को 8 बजे खोलते हैं, ठीक है, आप वहां पर 7:51 या दुकान खोलते 2 मिनट, वहां पर आपको क्या होता है? पैसा थोड़ा सा और ज्यादा मिलेगा, क्योंकि आपकी दुकान का टाइम क्या है? लेकिन जब आप आपको 7:58 पर खोलते हैं तो आपको सारे पर इनकम 14 हो जाएगा, आपको क्या मिलेगा? पैसा। इसीलिए समय को क्या है? समय का हम सदुपयोग करते हैं तो हम धनवान बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि समय अपने आप में जो है धन है। और दूसरी बात, जो समय है उसको मूल्यवान भी कहा गया है। क्यों? क्योंकि समय जैसा होता है मूल्यवान होता है। समय यदि जो समय निकल जाता है उसे हम ला कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम उस समय को ला नहीं सकते, ला सकते हैं नहीं। जैसे 2019 जो साल था हमारा, क्या हम उसको वापस ला सकते हैं? जो हमने काम 2019 में किए हैं क्या हम उनको फिर से वापस ला सकते हैं? गलतियां की है, अच्छा किया नहीं ना। तो इसीलिए समय को क्या बना गया है? समय का सदुपयोग कहा गया है कि समय का सही सदुपयोग करिए, क्योंकि जो समय निकल जाता है वो कभी लौटकर नहीं आता। इसीलिए हमें समय रहते ही अपने समय का भी समय रहते ही हमें अपने कार्यों को पूरा कर लेना चाहिए, क्योंकि यदि आप समय पर कार्य पूर्ण नहीं करेंगे तो सारा समय आपका चला जाए और आपने जो कार्य अपने मन में सोची है वो आपके कार्य अधूरे रह जाए। इसीलिए समय को मूल्यवान भी कहा गया है। समय को नष्ट सॉरी समय जो हमें समय के लिए होता है कि जो समय एक बार चला जाता है वो लौट कर वापस नहीं आता। और इसीलिए समय के बारे में भी हमारे बहुत से भारत देश के ऐसे संत महात्मा हुए जिन्होंने भी समय के महत्व के बारे में बताया है कि काल सॉरी कल का काल आज और आज का कल भी किसी क्षण कर लेना चाहिए। कल करने क्या से क्या हो सकता है वो आपको पता नहीं चलेगा, है ना, और आपके कार अधूरे रह जाएंगे। इसीलिए बहुत से कवि हमारे जुड़े संत महात्मा उन्होंने भी समय की महत्वता को बताया है। उन्होंने कहा कि हमें समय रहते ही अपने कामों को करना चाहिए।
डिपेंडेंट है उसका मेकअप फिर से डिपेंडेंट है ठीक है इसीलिए कहा गया है कि हमारे जो सप्त कवि कबीर दास जी ने भी दोहा जो आपको बताया गया है कि का करे इसको आज कर और आज करे इसको अब मन में पड़ कोई कमी करेगा कम मतलब मन मन में पड़ वो सब का निचोड़ में मृत्यु भी हो सकती है किसी की ना तो आप जो कार्य सोचे कि क्या कर लेंगे शायद आपके कर्म में किसी क्षण में तो जब आप काम करोगे या धीरे रह जाएंगे इसीलिए आपको क्या करना है आज का कर्म आज और अभी इसी क्षण ही कर लेना है इसके बाद है बच्चों समय जो होता है वो हमें कभी भी बेकार नहीं करवाना चाहिए एक बार जो समय बीत जाता है मतलब एक बार जो समय चला लेकिन यदि आप किसी वस्तु यदि आपसे भूल जाती है तो उसी तरह से आपको भूल जाएगा है ना तो आप उसी तरह की वस्तु उसी माध्यम से भूल सकते हैं लेकिन आप समय को नहीं कह सकते हैं तो आप समय को वापस ला सकते हैं आपको केवल ज्ञान है या फिर आप परिश्रम द्वारा करता वस्तु को नाशित कर सकते अगर कोई बीमार भी है ना तो उसको हम दवा और इलाज के द्वारा उसको हम ठीक स्वस्थ कर सकते हैं पर जो समय एक बार बीत जाता है ना तो उसे हम लौट कर वापस नहीं ला सकते इसी प्रकार से है इसीलिए कभी भी समय को हमें जो है बेकार नहीं गवाना है कोई ना कोई काम हमें करते रहना चाहिए इससे भी बढ़कर इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो काम हमने शुरू किया है उसे हमें समय पर ही पूरा करके छोड़ना है कभी भी आज का काम हमें भूल कर नहीं करना है काम करने में आलस नहीं करना चाहिए क्योंकि थोड़ी देर बाद क्या से क्या हो सकता है ये कोई भी इस तरह काम हमारा अधूरा रह जाएगा इससे हानि भी हो सकती है जो बच्चे अपना समय बेकार बातों में बर्बाद करते हैं उन्हें कभी भी सफलता नहीं मिलती है आप समझ रहे हैं ना जो बच्चे अपने समय का सदुपयोग नहीं करते हैं अपने समय को बर्बाद करते हैं उन्हें जो है बेकार की बातों में अपना समय बर्बाद करते हैं उन्हें कभी भी सफलता नहीं मिलती है अब जो बच्चे अपना समय पर काम पूरा करते हैं मतलब कक्षा में जो वर्क दिया जाता है उसको समय पर सीधे समय पूरा कर लेते हैं तो पीछे नहीं रह जाते हैं लेकिन ये कक्षा में पीछे रह जाते हैं जो अपना समय पर कार्य नहीं करते क्या होते हैं वो कक्षा में पीछे रह जाते हैं क्योंकि कक्षा का जो कार्य आपको मिलता है आपको समय पर कर लेना चाहिए यदि आप समय पर वो कक्षा का कार्य ला सकते हैं करते हैं तो आप पीछे हो जाते इसी तरह आपको जो पर पूरा कर लेते हैं तो क्या होता है आपका काम भी नहीं पीछे करता है ना उनके हर काम अधूरे रह जाते हैं जो बच्चे समय पर काम पूरा नहीं करते उसके जो कारण है वो समय पर पूरे नहीं होते उनके काम जो है अधूरे रह जाते हैं फिर क्या होता है जब हम समय पर काम नहीं करते तो क्या होता है परीक्षा के समय वो जो है घबरा जाते हैं और अपनी परीक्षा में वो ठीक ढंग से बैठ नहीं पाते या तैयार नहीं करते परीक्षा के लिए ठीक ढंग से उस परीक्षा में सफल नहीं हो पाते हैं तब वे अपनी गलतियों को मानते हैं और अपनी गलतियों का दोष होता है और दूसरों पर डाल देते हैं कैसे बच्चे जो समय पर अपना कार्य नहीं अतः हर काम हमें यदि यदि हमें हर काम में सफलता चाहिए है सफल होना है तो इसके लिए सबसे अच्छा कार्य है कि समय पर जो है अपना कार्य कर लेना चाहिए समय को जो है रास्ते में चाहिए यदि हर काम में सफल होना है और उसका इसका समय का हमेशा उपयोग करना चाहिए सभी को इसका समय इसीलिए समय को जो है मूल्यवान कहा गया है ना क्योंकि ध्यान देकर ही हम समय को
नहीं ला सकते हैं, इसीलिए समय विद्वान है, समय जो विद्वान कर जाकर विद्वान से होकर नहीं आते, इसलिए हमें अपने सारे कार्य छोटे समय पर पूरे कर लेना चाहिए, क्योंकि समय रहते ही यदि हमारे कार्य देर हो जाते हैं तो हमें कोई समस्या नहीं आती। यदि हम समय पर पूरा कार्य नहीं करते हैं ना जो कार्य क्या होता है अच्छा कार्य होता है और वो कार्य कभी कर नहीं पाता, क्यों? क्योंकि आपके कल भी निकाल आ जाए, फिर आप परसों पर डालेंगे, फिर उसके उस दिन की कार आ जाए, इसीलिए हमें क्या करना, समय पर ही हमें सारे कार्यों को पूरा करते जाए। इसके बाद क्या है कि निम्नलिखित प्रश्नों के आपको क्या करना है, उत्तर देना है। ये आपको क्या है आपसे यहाँ पर समय के बारे में क्वेश्चन पूछे गए, आपको इसकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट करवाई गई, तो उसी का हम रिवीजन करते हैं। आपको आज जो टेस्ट लेनी है, आपको लेसन को दिया जा रहा है जिसके क्वेश्चन जो है आपको उनके आंसर याद करना है, ओके? इसके बाद आपका टेस्ट भी होगा, ओके? तो आज हम लेसन सेकंड जो है आपको टेस्ट टर्म में वैध करने के लिए दिया जा रहा है ना, तो आपको इसके जो क्वेश्चन है उनके आंसर आपको याद करना है। सबसे पहला क्वेश्चन है नंबर प्रश्न नंबर पहला क्या है कि समय कैसे बिताना चाहिए, समय कैसे बिताना, समय कैसे बिताना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन है आपका समय कैसे बिताना चाहिए, तो समय हमें कैसे बिताना चाहिए। सबसे पहले तो समय है, सॉरी क्या है, समय हमें कैसे बिताना चाहिए। समय सबसे पहले तो बोल रहे तो समय का हमें सदुपयोग करके हमें जो है समय को बिताना चाहिए, क्योंकि समय जो है मूल्यवान होता है, ठीक है, कुछ अच्छा कार्य करता है हमें समय को बिताना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा, समय जो है मूल्यवान है ना, इसीलिए कुछ अच्छा कार्य करके हमें समय को बिताना चाहिए। क्या है समय है, पहला आंसर है समय क्या है, समय बहुत मूल्यवान है, समय बहुत ही जो है मूल्यवान है, समय बहुत मूल्यवान है, इसलिए समय बहुत मूल्यवान है, इसलिए समय को समय बहुत मूल्यवान है, इसलिए समय अच्छे कार्य
आपको पहला क्वेश्चन पूछा गया कि समय कैसे बताना चाहिए। समय बहुत मूल्यवान है, इसीलिए समय का उपयोग कुछ अच्छे कार्य करके बिताना चाहिए, है ना। दूसरा क्वेश्चन है, अब आपको क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है उसका जो आंसर है आपको याद करना है। क्योंकि आपका एच डब्ल्यू में नवंबर तो है, कारण है आपको ये याद करना। जैसा कि आपको समय आपको जो है तारीख में आपको जो नंबर दिया गया है उसको आपको क्या करना है, याद करना, जिससे कि आप पीछे नहीं रह जाएंगे, आपका जो वर्क है वो आपका कम्प्लीट होता जाएगा, तब होगा जब आप उसको समय पर याद करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है क्या समय क्या तुम समय क्वेश्चन पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या तुम समय बढ़ाते हो, बढ़ाते का मतलब समय का जो सदुपयोग नहीं करते, बढ़ा पाते हो। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है क्या तुम समय बढ़ाते हो, तो ये क्वेश्चन आपको बताना है। जब आप जो ये जो वर्ग दिया जा रहा है तो यदि आप समय पर पूरा याद कर लेते हैं आप यहाँ पर आंसर देंगे, तब मैं आप क्या करेंगे क्या समय यहाँ पे और आप देंगे उत्तर में नहीं हम समय नहीं हम समय बढ़ाते नहीं है। उसका क्या करते हो आप, उसका क्या करते हो समय का जो है शब्द उपयोग आप करते हो, क्या करते हो आप समय को बढ़ाते हो नहीं, बल्कि आप समय का क्या करते हो शब्द उपयोग करते हो, क्या करते हो समय का आप शब्द उपयोग करते हो। ओके, तो क्या है नहीं हम समय बढ़ाते नहीं है बल्कि उसका शब्द उपयोग करते हो। उसका क्वेश्चन है क्या तुम समय बढ़ाते हो, तो आपको क्या करना है, यदि आज आपको जो वर्क दिया गया है तो आपको आज की डेट में जो वर्क आपको कम्प्लीट करना है, तब तो आप समय का सदुपयोग करते हो ना। यदि आप ऐसा नहीं करते हो कि आप क्या कर रहे हो और यदि क्वेश्चन पूछा जाए क्या तुम समय बढ़ाते हो, तो आप अपना आंसर देंगे कि नहीं हम समय गवाते नहीं है बल्कि उसका सदुपयोग करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका एड है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसका क्वेश्चन है खाली समय में तुम क्या क्या अब आपसे पूछा जाए कि आपको जब खाली समय मिलता है तो आप क्या क्या कार्य करते हैं,
ना क्या क्या करते हो तो आप खाली समय में क्या करते हो सबसे पहले तो आप खेलते हो है ना पढ़ाई भी कर सकते हो खाली समय में चित्रकारी ना पढ़ाई करते हो कहानी सुनते हो चित्रकारी करते हो ये आपका खाली समय है ना आपका मिस कर दो कुछ भी कर दो क्या कर दो कि खाली समय में आप क्या कर रहे हो पढ़ाई भी कर रहे हो खेल भी खेलते हो है ना उसके बाद आप क्या कर रहे हो पेंटिंग भी कर रहे हो तो आप ये मतलब खाली समय के बारे में बता रहे हैं ठीक है तो खाली समय में आप क्या करते हो अब आप बता रहे हैं खाली समय में खाली समय में चित्रकारी
नियंत्रण और समय को समय का शब्द क्यों इसलिए आवश्यक है क्योंकि जो समय बीत जाता है वह समय वापस नहीं आता और समय को सफलता की कुंजी कहा भी सफलता की कुंजी भी कहा गया है। सफलता की कुंजी इसलिए समय का सदुपयोग इसके बाद क्वेश्चन नंबर लिखते हैं हमें काम को डेवलप करना चाहिए क्योंकि समय को अगर हम डालेंगे काम को तो अंधे रह जाएंगे इसलिए हमें जो है काम को नहीं डालना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन है चलिए हमें काम को डालना चाहिए क्योंकि हमारे काम अपने ओके तो आज ये जो आपका लेसन है इसका आपने क्या किया ओके और आज आप ये चीज समझ गए हो कि हमने समय के लेसन को क्यों लिया आज की रीजन में किस लिया क्योंकि हमें समय को बर्बाद नहीं करना है हमें लापरवाही नहीं करना है पढ़ाई में ओके तो आज आपको समय के बारे में समय की महत्वता के बारे में समझाया गया और आपको समय की महत्वता को समझना भी है ना तो आज आपको इसी भी समय जो आपका लेसन है उसका रिवीजन करवाया गया कि आप समय रहते रहते अपना सिलेबस कंप्लीट करते जाइए और साथ साथ आप इसे याद भी करते जाइए क्योंकि यदि आप समय रहते ही आप अपना होमवर्क करते जाएंगे आप सिलेबस के साथ चलते जाएंगे तो आप पीछे नहीं रह जाएंगे बल्कि आप जो है समय मतलब जो आपका लेसन चल रहा है उसके हिसाब से चलेंगे जो सिलेबस चल रहा है आपका वर्क भी पीछे नहीं रह जाएगा ना तो आपको क्या करना है समय के हिसाब से चलना है ना आज आपको समय लेसन जो पढ़ाया गया इसमें आपको वर्क भी दिया गया है कि आप समय को समझे तो आज आपको लेसन टू जो आपका समय है उसके आपको
एक्सरसाइज जो है उसमें प्रश्न दिए गए हैं उनके आंसर आपको आज